आइए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 है और इसके अंतर्गत ये बात की जा रही है कि 1-propoxypropane जो है उसको सिंथेसाइज करना है 1-propanol से। तो बताइए इसमें कौन से प्रोसेस होंगे और उनका क्या मैकेनिज्म होगा। हाउ इज़ द 1-propoxypropane सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन 1-ol, राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस बोलता है कि एल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन से कराकर ईथर बनाएंगे। ये है उसका मेन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर है कि प्रोपेन 1-ol है, तो इसको बताइए हम लोग किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे आपका जो सोडियम प्रोपॉक्साइड में। तो देखिए थोड़ा लगाते हैं हेलो एल्केन्स और हेलियोरिन्स वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें देखेंगे फॉलोइंग मेथड्स। फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन इनटू द अकाउंट। अब देखिए भाई, कौन कौन से स्टेप्स इसमें हम लोग ले रहे हैं। पहला स्टेप हम लोग लेते हैं इस विलियमसन सिंथेसिस में, सिंथेसिस देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि प्रोपेन 1-ol ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, और इसको हम लोग जो है हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको मालूम है कि हेलो एल्केन्स हैलोजन्स में हम लोगों ने देखा है कि आप फॉस्फोरस ब्रोमाइड का भी फॉस्फोरस हैलाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PCl3 या मतलब PBr3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड हुआ ये, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया आपका फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं प्रोपेन हो गया 1 हो गया और ये ऑल हो गया। प्रोपेन 1-ol से रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। रिएक्शन कराने के बाद देखिएगा हमारे पास जो कंपोनेंट बनकर आएगा वो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Br आ जाएगा, 1-bromo propane आ गया, और यहाँ फॉस्फोरिक एसिड का एक कंपोनेंट निकल जाएगा PH3BO, H3PO3। ये चलिए इसमें बैलेंस करने के लिए लगा देते हैं थोड़ा, यहाँ 3 यहाँ भी 3 लगा दिए। अब सेकेंड स्टेप हम लोग अपनाते हैं जब इसका सोडियम के साथ मेटालिक रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ सोडियम प्रोपॉक्साइड बन जाता है, रिएक्शन विद द मेटल, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए किस तरह से ये CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, OH हो गया। ये रिएक्शन आपका कर जाएगा सोडियम के साथ, ये सोडियम के साथ कर जाएगा, तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, O, और ये माइनस देखिए, और यहाँ हम लोग H2 गैस को निकालें, तो यहाँ आपको रिएक्ट करवाए, ये देखिए सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड हो गया। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल सा है,
अब जो विलियमसन सिंथेसिस में होता है, जो हम लोगों ने इससे पहले भी किया है, कितनी बार किया है, तो उसी को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ CH3 हो गया, ये CH2 CH2 O Na। अब इस पर जो है रिएक्शंस आपका 1-bromo-propane का होगा, तो CH3 CH2 CH2 और ये Br हो गया, Br इस तरह से हट गया। और ये वाला जो कंडीशंस हैं, ये आ गया और ये आपको ड्राई इथर में हीट में हुआ। तो यहां हमारा कंपोनेंट बना प्लस ये 1-propoxypropane 1-propoxypropane हो गया। तो सिंपल सा रिएक्शन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।